turn on notification bell. Don't miss latest update. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज मैं इस वीडियो में आपको इसी नोटिफिकेशन की सभी डिटेल देने वाला हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन समय से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय रिक्वायरमेंट 2017 जो दोस्तों उसमें पोस्ट है, वो पोस्ट है जो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंडिंग ग्रेजुएट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स, और दोस्तों जिसमें पीजीटी के लिए आवश्यक विषय हैं, सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना आवश्यक है। और जो टीजीटी है दोस्तों, इसके लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथ और साइंस होना आवश्यक है। और दोस्तों जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 540 पोस्ट है दोस्तों, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 182 पोस्ट है दोस्तों, और जो ट्रेंडिंग ग्रेजुएट टीचर है 144 पोस्ट है, जो प्राइमरी टीचर है 220 वैकेंसी है दोस्तों। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और दोस्तों जो इसकी इम्पोर्टेंट तिथि है, आवेदन करने की तिथि है 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, और दोस्तों जिसकी लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर 2017 है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो पीजीटी के लिए अधिकतम 40 वर्ष होना आवश्यक है, और दोस्तों जो टीजीटी है इनके लिए 35 वर्ष होना आवश्यक है अधिकतम, और जो दोस्तों आयु में छूट है वो नियमानुसार दी जाएगी। और दोस्तों जो आपकी एज की गणना होगी 31/10/2017 तक आपकी एज की गणना होगी। और जो दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, दोस्तों जो जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये है, और दोस्तों जो अदर पोस्ट है 750 रुपये, और दोस्तों एससी एसटी और वुमेन के लिए ये फॉर्म फ्री है। और दोस्तों अब लोकेशन की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट जोन में आपकी ज्वाइनिंग होगी, और दोस्तों जो वेतन है 9300 से लेकर 34800 प्रति महीना रहेगी। और दोस्तों जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा आपका ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ बीएड होना पास होना आवश्यक है। और दोस्तों जिसमें आप इसे अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और दोस्तों जिसकी लास्ट डेट है 17 अक्टूबर तक रहेगी। और दोस्तों आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आवेदन का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अब दोस्तों मैं अब बात करता हूँ इसकी, आप इसको किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर केवीसी स्पेशल रिक्वायरमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। ये 3/10/2 को दोस्तों ये पब्लिश कर दिया गया, आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हो गया दूसरा पेज ओपन, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ये इनका नया एप्लीकेशन फॉर्म का पेज ओपन हो चुका है। अब आपको ये जो मैंने मैंडेटरी कॉलम है आपको ये फिल करना होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये स्टार है ये मैंडेटरी कॉलम है, आपको ये फिल अवश्य करना होगा। और दोस्तों करने के बाद आपको नीचे आने के बाद आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ और आपसे डिटेल मांगी जाएगी, आप वो दे सकते हैं। और दोस्तों इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप करें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कर दाई गुस्सा मेरी निकी निकी गल दा, एदा नहीं ओ सोने प्यार चलदा।